हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। उसके साथ ही साथ एक जो कॉन्सेप्ट होता है यूज़र नेम अवेलेबिलिटी को चेक करना, हम वो यहाँ पे चेक करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करो कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब क्रिएट करेंगे तो उसमें जो भी आप यूज़र नेम आप इंटर करोगे तो आप उसे चेक करो कि कहीं डेटाबेस में ये यूज़र नेम ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। अगर पहले से ही एग्जिस्ट है तो हम यूज़र को नोटिफिकेशन दे देंगे कि आप अपना यूज़र नेम चेंज कर लो, ये पहले से ही क्या है अवेलेबल है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम ये जो हमारा लॉगिन पेज जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये मेनू है, यहाँ पर हम एक लिंक दे देंगे लॉगिन के लिए। तो उससे पहले क्या करेंगे, चलेंगे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो है ब्लॉग, ब्लॉग को हम क्या कर देते हैं साइन इन। तो यहाँ पर देख रहे हो ब्लॉग, यहाँ पर आने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसमें दे देते हैं SINZ, ठीक है, साइन इन दे दिया मैंने इसका नाम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक पेज, ऐड करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज होगा या साइन इन पेज होगा, जो भी आप नाम कह लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहीं पर आते हैं, ये हमारा लॉगिन और होम रजिस्ट्रेशन ये सब हम बाहर ही कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एक यहाँ से हम वेब फॉर्म ऐड करेंगे। यहाँ से लिया मैंने एक, ये वेब फॉर्म ले लिया, इसका आपको एक नाम देना है। तो नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, साइन इन फॉर्म है ये। ओके, ओके पे क्लिक किया और हमारे पास कोई मास्टर पेज तो है नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉगिन पेज आपको जो दिख रहा है, जिस तरीके से लॉगिन पेज आपको दिख रहा है इसी तरीके से साइनअप फॉर्म भी आपको दिखे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ हेडर पोर्शन हम उसमें ऐड कर देंगे, बट अगर हमने लॉगिन फॉर्म का भी एक मास्टर पेज क्रिएट किया होता तो हम आसानी से जो हमने अभी ये फॉर्म ऐड किया है ना, ये साइन इन फॉर्म, उसमें हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है लॉगिन फॉर्म। इस लॉगिन फॉर्म में जो भी यहाँ पे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये मेटा टैग होना चाहिए, ठीक है, ये चारों मेटा टैग हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको हम आएंगे यहाँ पे हेडर सेक्शन में, यहाँ पर हम इसे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और टाइटल में आप कुछ दे सकते हो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन करके, ओके, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है सेव। अब इसके बाद एक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूँ क्या करने वाला हूँ मैं। मुझे चाहिए मेनू, चाहिए हेडर, चाहिए मेनू। तो हेडर हम यहाँ से उठाएंगे लॉगिन फॉर्म से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हेडर फुटर, ये CSS भी हमें चाहिए, ठीक है, ये CSS भी हमने यहाँ से कॉपी किया। इस CSS को भी हमने यहाँ पे हेड सेक्शन में ही क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, इसको मैंने सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन में फिर से चलेंगे, यहाँ से हमें चाहिए हेडर पोर्शन। तो ये पूरा का पूरा हेडर पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, दिस इज़ हेडर पोर्शन, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ये हमारा हेडर पोर्शन हो गया। अब हेडर पोर्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये DIV है जिसमें कि लॉगिन फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कंटेनर है। ओके, तो फिलहाल बस हमें क्या चाहिए, हेडर फॉर्म ही चाहिए, इसको हम कर लेते हैं सेव। और ये जो है साइन इन, इसको हम क्या करते हैं, इसका जो नाम है ये नाम हमने किया यहाँ से कॉपी। ओके, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे इसकी जगह पे हमने इस पेज का नाम दिया और हमने इस पेज, मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हेडर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे अब बनाना है, हेडर के बाद हमें क्या बनाना है, एक प्रॉपर लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो W3CSS यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसमें ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। अभी के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी के लिए मुझे चाहिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये दो चीज़ें चाहिए, ये दो तीन चीज़ें मुझे चाहिए लिंक के तौर पे, ठीक है, तो जिससे कि हम CSS लिंक कर सकें। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, चलेंगे यहाँ पर आएंगे हेड सेक्शन में और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर CSS के अंदर ये क्या है, W3 है। तो बेसिकली हमें लिंक करना है, जब भी किसी पेज को आपको लिंक करना है तो उसके लिए हम बकायदा एक सिंटेक्स होता है, ठीक है, टैग का जो नाम होता है वो क्या होता है, लिंक टैग होता है। लिंक, लिंक के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आते हो, जो भी आपका एलिमेंट होगा, ठीक है, आप उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं या फिर आप HREF का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है। पर अगर आपको ये कोड याद नहीं है तो विजुअल स्टूडियो आपको सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप सिंपली उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और ऑटोमेटिकली उसका जो भी लिंक होगा वो यहाँ पे
वो जो पर्टिकुलर फाइल होगी जो आप लिंक करना चाहते हो, चाहे वो CSS का हो, JavaScript का हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आसानी से लिंक हो जाएंगी, उसका कोड भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव। अभी यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक यहाँ से देख रहे हैं, ये लेते हैं साइन इन है, और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर हमें बटन भी चाहिए, तो बटन मान लो बटन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब हम इसे कॉपी करके यहाँ पर आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया है। अभी यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी कितने ऐसे यूज़र हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम विजुअल स्टूडियो जो है, जो हमारा ESP.NET है, उसमें हम अदर जो जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, या फिर C#, W3 जो CSS है, उसके कंट्रोल को हम किस तरीके से यूज़ करें आसानी से। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो सारी चीज़ें कैसे आपको यूज़ करनी है। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या हो गया, पूरा 100% इसका हाइट विड्थ, और काफ़ी ज़्यादा ये इसका विड्थ जो है बहुत ज़्यादा हो गया। तो या तो हम क्या करें, हम एक DIV बनाते हैं, उस DIV के अंदर हम इसे रख दें। तो अभी क्या करते हैं, हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म था, लॉगिन फॉर्म पे आते हैं। लॉगिन फॉर्म में क्या किया था, हमने एक कंटेनर लिया था, एक DIV था, उसका नाम क्या था, कंटेनर, और उसके अंदर ही हमने सारी चीज़ें बनाई थी। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम एक DIV यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंटेनर कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम आएंगे यहाँ पे। तो ये कंटेनर हम कहाँ से लगाएंगे, इसको लगाने के लिए यहाँ इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे दिया मैंने कंटेनर, और ये जो DIV क्लोज है इसको हम कहेंगे कॉपी। ठीक है, ये बटन, और यहाँ पे हम लाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेक्शन वाइज बने हुए हैं। तो यहाँ पे साइन इन तो हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इनपुट बॉक्स यूज़र नेम के लिए। इसको एक बार सेव कर लीजिए, यहाँ पर आते हैं, इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, कंटेनर लेने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट राइट से ये चीज़ें आप देख सकते हो कि ठीक है। हम क्या करते हैं, कंटेनर का ना यहाँ पे जो हमने कंटेनर यहाँ पे ले रखा है, ये जो कंटेनर है इसमें हम लगा देते हैं स्टाइल, लगा देते हैं स्टाइल। के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है, विड्थ को हम क्या कर देते हैं, विड्थ कोलोन हम कर देते हैं 50%। ठीक है, तो ये मैंने इसका विड्थ दे दिया 50%। अभी क्या होगा, अभी हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये कम हो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, तो विड्थ मैंने दिया था 50%, इसको सेव कर लेते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए गए हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो ASP.NET है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सारा कोड सर्वर पे जाके रन करता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो कंट्रोल है यहाँ पर हमने HTML का कंट्रोल यूज़ कर रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ऐसे कंट्रोल जो डायनेमिक हो। तो हमें इन HTML कंट्रोल को डायनेमिक बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो है ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो हमें विजुअल स्टूडियो में जो कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे जो कंट्रोल मिल रहे हैं, अगर हम ये यूज़ करें तो उस पर प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इतनी अच्छी जो आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिज़ाइन भी चाहिए, प्लस हमें सर्वर साइड कंट्रोल चाहिए, डायनेमिक कंट्रोल चाहिए। तो इसका एक उपाय क्या है, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो क्लास लिखा हुआ है ना, ये जो क्लास लिखा हुआ है, इस क्लास के नाम को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लास का नाम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस नाम को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और अभी क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे चलेंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पे आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, हमने ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद देखो, यहाँ पे मैंने जो क्लास का नाम कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये क्लास का नाम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट प्लेस होल्डर। ठीक है, अब ये कंटेंट प्लेस होल्डर आप चाहो तो इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इसे क्या करूँगा, मैं सेव कर लूँगा। इसके बाद क्या करते हैं, चलेंगे यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो अभी मेरे पास जो कंट्रोल है वो क्या है, वो है ASP.NET का कंट्रोल, और जो मैंने क्लास लगाया है, इस वजह से आपको ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पे क्लास में क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होता है W3 और एक राउंड करके होता है, ठीक है एक मिनट, W3 यहाँ पर आपको देना है क्या, बॉर्डर और उसके बाद और यहाँ पर राउंड देना है, ठीक है राउंड देखो लार्ज, तो आप ये दे सकते हो, इसको आपको सेव कर लेना है। और अब आप जब यहाँ पे इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको ये राउंडेड दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज़र नेम के लिए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या है यूज़र नेम के लिए, तो इसका जो आईडी है ना वो आपको चेंज करना है TXT नेम में। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ, यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या है, ये है आपका यूज़र है, पासवर्ड होगा ये। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे XLarge FA पासवर्ड करके देखते हैं क्या इफेक्ट हो रहा है, शायद पासवर्ड बन जाए। और यहाँ पर आने के बाद इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये होगा पासवर्ड, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है यहाँ पे इसे मैंने सेव कर लिया। अब इसका नाम क्या होगा, TXT पासवर्ड। ओके ये हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे, ये क्या है यूज़र नेम पासवर्ड, और उसके बाद आपको रोल वाला जो सेक्शन है एक वो भी है, और रोल के अलावा आपका आ जाएगा इसमें क्या है, एक बार देख लेते हैं, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एक हो जाएगा रोल आईडी। ओके रोल आईडी आप इसे दे सकते हो या नहीं भी दे सकते, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रखूँगा, ठीक है यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होगा क्रिएटेड बाय ये भी। ओके सो दो चीज़ें मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीज़ें, इनसे हमारा काम हो जाएगा। और ये बाकी जो जो ये रोल आईडी क्रिएटेड बाय और यहाँ पे क्रिएटेड डेट जो देख रहे हो ना आप, ओके तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा, डायनेमिकली जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया पासवर्ड, और हम क्या करते हैं एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक मिनट ज़रा सा हम पहले तो इसे सेव रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पेस FA लॉक, और यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको करना है, यहाँ से इसको करना है डिलीट। अब हमें क्या चाहिए, दिस इज़ फॉर कंफर्म पासवर्ड। ओके कंफर्म पासवर्ड, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है इसको मैंने सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, और ये जो इनवेलप है, इनवेलप की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लॉक यूज़ करेंगे, ठीक इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। और बाकी जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो आप इनको क्या करोगे, यहाँ से इन्हें रिमूव कर दोगे ये। अब देखो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे जो बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है, तो ये भी HTML का बटन है, पर हमें कैसा बटन चाहिए, हमें चाहिए डायनेमिक बटन चाहिए। तो डायनेमिक बटन हमें कैसे मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है यूज़र नेम हो जाएगा आपका, पासवर्ड हो जाएगा ये कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर एक चीज़ ये रह गई है, इसको हमें डिलीट करना है, और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो ये कहाँ से रह गया, ये वाला चीज़, ठीक है इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब हमें जो बटन है ना, इस बटन का जो क्लास है ना, आपको क्या करना है, ये क्लास का नाम पूरा कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और ये सारा चीज़ हटा देना है। और यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक बटन लेंगे जो कि होगा ASP.NET का बटन, ये बटन ले लिया, और इस बटन में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया। और यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखते हैं सबमिट ऐसा कुछ, ये मैंने इसे सेव कर लिया। बटन का नाम क्या देंगे, BTN सबमिट, ठीक है इसको भी मैंने कर लिया सेव। और अब हम क्या करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके तो अब आपके सामने एक जो हमारा क्या कहते हैं इसको, साइन इन फॉर्म है, वो बन चुका है। अभी ये लेफ्ट हमारा हैंड जो साइड पे दूसरा है, काम इसको था मैं वो क्या ये करता था हूँ, कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि यूज़र की अवेलेबिलिटी, जो भी यूज़र नेम हम इंटर कर रहे हैं, अगर वो पास, वो अगर हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है तो यहाँ पर हमें शो करे, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी यूज़र नेम इंटर करें, अगर ये डेटाबेस में अवेलेबल हो तो यहाँ पर आपको शो करते कि ये यूज़र नेम क्या है, अवेलेबल है।
इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक डेटाबेस क्रिएट, जो डेटाबेस है उसमें हमें एक प्रोसीजर क्रिएट करना होगा, ठीक है। जिस प्रोसीजर की हेल्प से, यहाँ पे देखो दो तरह के, यहाँ पे दो यूज़र हैं, ठीक है, एक तो ये है एक ये है। अब हमें इसके लिए एक प्रोसीजर लिखना होगा जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि हम चेक कर पाएँ कि हमारा ये यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं। तो क्रिएट, चाहे तो आप पूरा का पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो या फिर आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, ये PORC प्रोसीजर जो हम क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, SP यानी कि स्टोर प्रोसीजर चेक यूज़र नेम और अवेलेबिलिटी, ऐसा कुछ। स्पेलिंग क्या है, BILITY, ओके अवेलेबिलिटी। इसके बाद आपको देना है ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है यूज़र नेम चेक करना है ना। तो यूज़र नेम जो होगा, इसका डेटा टाइप क्या रखा है आपने, एनवेयर केयर। तो डेटा टाइप वही रखिएगा जो आपने जब टेबल को क्रिएट करते वक्त आपने दिया था। तो ये आप कैसे देखोगे, मान लो ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर ये हमारा टेबल है, टेबल जो है हमारा ये वाला टेबल है। इस टेबल में आएंगे, कॉलम वाले फील्ड में आएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है यूज़र नेम, इसमें ये प्राइमरी की है, एनवेयर केयर 50 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे एस, इसके बाद क्या लिखेंगे बिगिन, ओके बिगिन के बाद आपको क्या देना है इंड, ये आपको दे देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या देना है हमें, पहले यहाँ पे लिखना है क्या कहते हैं, सेट नो काउंट ऑन, ये आपको देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट करना है काउंट, और यहाँ पे हम दे देंगे स्टार, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कितने, मतलब अगर एक यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो ये क्या अकाउंट में क्या होगा, मतलब तो टोटल नंबर ऑफ रो जो होगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम वो चाहते हैं, और ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम टेबल का नाम क्या होगा TBL यूज़र से, और एक कंडीशन होगी इसमें वेयर कंडीशन, वेयर जो आपका यूज़र जो नेम होगा इज़ इक्वल टू एट द रेट यूज़र नेम, ठीक है। और ये आपने दे दिया, तो ये मेरा एक यहाँ पे बन गया प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। तो यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इसे रन किया, तो हमारा ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है फर्स्ट क्लास। ये हमारा स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी क्या होते हैं, अब हम लौटेंगे अपने इस फॉर्म की तरफ, यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब जैसे ही मैं यहाँ पे जो नेम है, जैसे मैं यहाँ से नेम टाइप करूँ और यहाँ से फोकस हटे, तो तभी हमारा जो भी टेक्स्ट होगा इसमें वो जाके डेटाबेस में सर्च करेगा कि आपका यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट हमें और यूज़ करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, AJAX कंट्रोल टूल किट, ठीक है। जो AJAX कंट्रोल होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है कि जैसे कि सपोज़ क्या है कि अब मुझे जो है अगर यूज़र का नाम चेक करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई नाम दे दिया, ये मैंने एक नाम एंटर कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो नाम है ये नाम डेटाबेस में जाए, वहाँ से मैच करे, अगर अवेलेबल है तो हमें एक मैसेज दे, यस इट इज़ अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा, तो अब ये क्या होता है, हर जितनी भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो पूरा का पूरा जो पेज होता है आपका वो सर्वर तक जाता है। पर अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा जो पेज है वो सर्वर पे ना भेज के हम पेज का एक छोटा सा पोर्शन जो है, या छोटा सा पार्ट जो है वो सर्वर तक भेजें, ताकि क्या होगा कि हमारा जो पेज बार बार, अगर हमारा पेज हैवी है तो बार बार पेज हमारा ब्राउज़र पे भी लोड होगा, सर्वर के पास भी जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी प्रोग्राम की इफ़िशेंसी होगी, एप्लीकेशन की इफ़िशेंसी होगी, वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, एप्लीकेशन आपका स्लो हो जाएगा। हमें क्या करना है, बिना पेज को रिफ़्रेश किए सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्रोल में जो डेटा आपको चाहिए वो डेटाबेस से फैच करना है, जिससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा फास्टेड, आपका मतलब फास्ट वर्क करेगा पहले के मुकाबले। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो वैल्यू है बस यही डेटाबेस तक जाए, वहाँ से मैच करे और फिर डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाए बिना इस पेज को रिफ्रेश किए हुए। इसके लिए विजुअल स्टूडियो में आपको एक कंट्रोल मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा AJAX एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल है, इनकी हेल्प से हम ये सारा टास्क करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं AJAX एक्सटेंशन या AJAX टूल किट।
तो अब आपको पहले तो चेक करना है कि यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम, आपका जो कंट्रोल है ये यूज़र नेम, तो हमें क्या करना है, इस कंट्रोल को हमें एजेक्स एक्सटेंशन के अंदर रखना है। तो इसको बनाने की विधि क्या है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारा कंट्रोल है, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया। अब देखो मैंने क्या बोला, बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए जिस भी कंट्रोल से आपको चाहिए डेटा, उस कंट्रोल को आपको यहाँ पर एक टूल होता है उसके अंदर आपको देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एजेक्स एक्सटेंशन में आएंगे, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, स्क्रिप्ट मैनेजर, तो आपको डबल क्लिक करना है, ये आ गया आपका स्क्रिप्ट मैनेजर, ठीक है। स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए एक और अपडेट पैनल और अपडेट प्रोग्रेस, दो चीज़ें होती हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपडेट पैनल, तो ये लिया मैंने अपडेट पैनल। अब क्या करेंगे, अपडेट पैनल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर हमें क्या देना है, हमें लिखना है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट टेम्पलेट आपको ये लिखना है। अब इस कंटेंट टेम्पलेट के अंदर जो भी कंट्रोल आप लिखोगे, तो मुझे ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ओके। अब क्या होगा, अब जब भी मैं क्या करूँगा, इस कंट्रोल को जब भी मैं यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। अब आप इसकी डिज़ाइन को देखो, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो स्क्रिप्ट मैनेजर के अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए डेटा चाहिए यूज़र का, तो डेटा कैसे मिलेगा, तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, एक मिनट इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। ये बैकएंड का कोड है, तो पहले ये कोड हम हटा देते हैं, ये कोड हमने कहाँ लिखा है, बटन के क्लिक पे, पेज के लोड पे, यहाँ से इसको रिफ्रेश ये कर दो, और यहाँ पे इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गए। अब जैसे ही आप इसमें लिखोगे ना, जैसे आप इसमें टाइप करना स्टार्ट करोगे, तो आपका क्या होगा, आपका एक इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट क्या होता है, अकरेंस ऑफ एनीथिंग, मतलब कि जो भी जो आपका सी शार्प प्रोग्रामिंग है, ये क्या है, ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई इवेंट करना होगा, जैसे कि बटन पे क्लिक करना होगा, एंटर बटन पे प्रेस करना होगा, माउस पे डबल क्लिक करना होगा, इस तरीके से टास्क होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको इस टेक्स्ट बॉक्स पे आपको डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली इसका इवेंट आ जाएगा। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि सिंपली टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टी दिखाएगा अल्फ़ाबेटिकली, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको इवेंट दिखाएगा। तो यहाँ पर जो इवेंट है उसका नाम क्या है, टेक्स्ट चेंज इवेंट, आपको इस पर करना है डबल क्लिक। तो जैसे आपने डबल क्लिक किया, टेक्स्ट चेंज इवेंट यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें कोड करना है, कोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो कनेक्शन चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे सोर्स कोड दिखाऊं कि कैसे हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक था जो कि यहाँ पे था स्पेलिंग में, इसे करेक्ट किया, इसको करेक्ट किया है। अब एक बार फिर से प्रोसेस देखते हैं कि अब तक मैंने क्या किया है इसमें। तो देखो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, तीन टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे जब भी आप कुछ भी इंटर करें, तो आपको क्या हो, आपको उसे चेक करना है कि वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। तो एक बार मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने फॉर्म की जो डिज़ाइन जो है डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिए हैं। तो अगर आपको एजेक्स की हेल्प से अगर आपको चेक करना है बिना पेज को रिफ़्रेश किए कि यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं, तो जिस कंट्रोल में, मतलब अगर जो कंट्रोल में आप चाहते हो वैल्यू आप डेटाबेस से फेच करो विदाउट पेज को रिफ़्रेश किए, तो उस कंट्रोल को आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको लगाना है ये क्वेरी मैनेजर, ये आपको मिल जाएगा टूल बॉक्स में, मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, क्वेरी मैनेजर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आप आओगे एजेक्स एक्सटेंशन में, तो क्वेरी मैनेजर आपको मिल जाएगा। तो क्वेरी मैनेजर के बाद आपको लगाना है क्या, अपडेट पैनल। तो जिस भी कंट्रोल में आपको वैल्यू चाहिए या फिर जिस भी कंट्रोल में आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, उस कंट्रोल को आप क्या करोगे, अपडेट पैनल के अंदर आपको एक कंटेंट वाला टैब यहाँ पे टैग लगाना है, इसके अंदर आपको वो पूरा
जो कंट्रोल है वो आपको लिखना है। सपोज़ करो अगर मुझे कोई टेबल होता है, कोई कोई ग्रिड व्यू होता है जिसमें मुझे डेटाबेस से वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ उस ग्रिड व्यू को यहाँ पे इस कंटेंट टेम्पलेट के अंदर मैं वहाँ पे उसे रखता। तो अभी मैंने क्या किया, ये जो हमारा यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर आपको एक काम ये करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक तो ये इवेंट है, मैं बताऊंगा इस इवेंट के बारे में, और उसके बाद आपको क्या करना है लास्ट में आपको क्या करना है ऑटो पोस्ट बैक को ट्रू कर देना है इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। जब आप ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करोगे तभी आपका ये इवेंट जो है वो काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पर आ जाते हैं डिज़ाइन पर, ओके, यानी कि यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़र नेम इंटर करूँ, अगर ये यूज़र नेम डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो क्या करेगा ये आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक मैसेज शो करेगा कि न्यू यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो आपको देगा यूज़र नेम अवेलेबल। तो बस मैं यही चाहता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे ये डिज़ाइन पोर्शन हो चुका है। अब हमारे पास जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं चाहता हूँ जब भी बंदा यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करे तो जैसे ही वो टाइप करे उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे मैसेज, ये जो लेबल है इस लेबल में आपको मैसेज मिले कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में चलेंगे, प्रॉपर्टी में आ गए हम यहाँ पे, यहाँ पर आपको मिलेगा इवेंट, इवेंट पे आएंगे तो कौन सा इवेंट है, टेक्स्ट चेंज इवेंट, इस इवेंट पे आपको आना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये इवेंट मिल जाएगा। अब यहीं पर आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है डेटाबेस में जाके वैल्यू को सर्च करना है कि वो अवेलेबल है डेटाबेस में या नहीं। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि मुझे चेक करना है, सर्च करना है, बेसिकली क्या सर्च करना है, ये नाम मुझे टेबल में जाकर सर्च करनी है कि अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक स्टोर प्रोसीजर बना रखा था जिसका नाम क्या दिया था, चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, ये मैंने नाम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर बना रखा था, जिसमें मैं क्या करूँगा, जिसमें मैं यूज़र नेम पास करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है यूज़र नेम पास करूँगा, और ये क्या करेगा यहाँ पे अगर ये यूजर नेम अवेलेबल होगा तो काउंट जो है ना, काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज इतने होंगे, अगर एक रोज अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे वन रिटर्न करेगा, मल्टीपल होंगे तो एक से ज़्यादा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वन रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो ज़ीरो रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात है। और फिर इसको हम करेंगे कैसे, अगर आपको लॉगिन का प्रोसेस याद हो तो लॉगिन में जिस तरीके से हमने कोड किया था तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लॉगिन में चलेंगे, ये हमारा लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे हमने क्या किया था लॉगिन करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने ये हमारा लॉगिन बटन है यहाँ पे मैंने वैलिडेशन किया था, तो वैलिडेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है और आप ट्राई कैच लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये लॉगिन का जो कोड है ट्राई और कैच वाला ये पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक मैंने इसे पूरा कॉपी कर लिया, ट्राई कैच, मैंने ट्राई कैच यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब ट्राई कैच कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, चलूँगा यहाँ पे और ये जो हमारा पेज है यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसे पेस्ट कर दूँगा, पूरा का पूरा कोड मैंने पेस्ट कर दिया, कौन सा कोड, लॉगिन का। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे एक तो ये नहीं चाहिए क्योंकि कुकीज़ मुझे जनरेट करना नहीं है, ये नहीं जनरेट करना, हमें चाहिए सेशन चाहिए, चलो सेशन अभी के लिए रख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है ये कोड भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें किसी पेज पे मूव करना है क्या, किसी पेज पे मूव नहीं करना है, ओके। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसको कमेंट कर देना है। अब जो आपने यहाँ पे किया था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने कनेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब आपने बुलियन जो आपने एक वेरिएबल बनाया था इज़ लॉग इन डिटेल करेक्ट, ये इस लॉगिन डिटेल करेक्ट कब होगा, जब आपका ये जो मेथड है गेट स्केलर वैल्यू, अब ये गेट स्केलर वैल्यू मेथड कहाँ पर बना है अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर आपको मिलेगा गो टू डेफिनेशन करके, या फिर F12 आप दबाओगे तो आप डायरेक्टली इस वाले फाइल में आ जाओगे SQL और DBSQL सर्वर, जो मैंने क्लास फाइल जनरेट किया हुआ है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे, और वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपने बनाया था गेट स्केलर करके मेथड। तो ये मेथड मैंने तीन मेथड बनाए थे गेट स्केलर, एक बनाया था जिसमें सिर्फ आपको स्टोर प्रोसीजर का नाम देना है बस और आपको उसे सर्च करना है, एक बनाया था जिसमें एक स्टोर प्रोसीजर होगा और उसके साथ एक पैरामीटर पास कर रहे हो, और यहाँ पे ये जो हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं यूज़र नेम, ठीक है, इस स्टोर प्रोसीजर के लिए। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम साइन इन पे आ जाते हैं, ठीक है, ये कोड रहेगा, तो जब ये कोड रन करेगा तो यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें देना है ये वाला स्टोर प्रोसीजर, ये स्टोर प्रोसीजर जिससे आप नेम अवेलेबिलिटी को आप चेक कर पाओगे, आपको इसे यहाँ पे पास करना है, आपको ये यहाँ पे पास कर देना है, ये मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, गेट पैरामीटर, अब गेट पैरामीटर क्या है, ये एक मेथड है और ये मेथड मैंने अभी बनाया नहीं है,
तो मुझे क्या करना होगा, ये मेथड यहाँ पे जनरेट करना होगा। तो ये मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लॉगिन पेज में आप आओगे, यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेगा ये गेट पैरामीटर, जहाँ पे आपने पैरामीटर बनाए थे। तो हम क्या करेंगे, ये भी कॉपी कर लेंगे लॉगिन से। तो लॉगिन से आपको इसे कॉपी कर लेना है लॉगिन फॉर्म से। फिर हम आएंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर आप क्लिक करो, इसके बाहर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका लॉगिन, ये आपका टेक्स्ट का चेंज इवेंट होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपने ये मेथड बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है दूसरे पैरामीटर की। तो आपको इसे क्या कर देना है, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या बना दिया, पैरामीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें पैरामीटर का नाम दे दिया यूज़र नेम, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम से आ रही है, और फिर इसको हमने ऐड कर दिया और इसी को हमने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ से पैरामीटर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर मेथड के लिए यहाँ पे। अब होगा क्या, अगर यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा का पूरा एक वन रिटर्न करेगा। वन मतलब कि ट्रू, बुलियन में क्या होता है, ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ये मेथड ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ़ कंडीशन पूरा ट्रू हो जाएगा। और जब हमारा इफ़ ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, एक लेबल है जिसका नाम क्या है, लेबल वन करके। तो लेबल वन डॉट इसका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में क्या दे देंगे, यहाँ पर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो क्या लेंगे, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑल रेडी एग्जिस्ट, ओके, ये मैंने दिया। अब यहाँ पर हो गया, अगर आपको लेबल का कलर वगैरह देना है तो लेबल डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर कलर आपको चेंज करना है तो फॉर कलर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे देना है सिस्टम डॉट ड्रॉविंग डॉट कलर डॉट ग्रीन, ओके, नॉट अ ग्रीन। अगर एग्जिस्ट हो ऑलरेडी तो हम क्या देंगे, रेड कलर यहाँ पे शो करेंगे, इसको हम सेव सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई भी नेम अवेलेबल नहीं है इस तरह का, जो आप यहाँ पे इंटर किया है आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो आपका इल्स आएगा। इल्स में आपको क्या करना है, इल्स में आपको सिंपली ये आपको कॉपी कर लेना है पूरा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इस पर क्या लिखेंगे, यूज़र नेम अवेलेबल, यूज़र नेम अवेलेबल, और यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट को क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे हम, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। ये चीज़, ये कब होगा, ये होगा आपके जब आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी चीज़ लिखोगे तब होगा। फिर उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ से आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, ओके। तो इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, सीधा एक्सेप्शन मैसेज जो होगा वो हम प्रिंट कर देंगे, ओके। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट क्लास यहाँ पर हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं और एक बार हम चेक करते हैं कि ये कहाँ कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया। अच्छा, ये अभी क्या था, अभी ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था पूरा का पूरा फॉर्म। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे जो DIV लिया था मैंने, इस DIV का मार्जिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट से 300 यहाँ पे मार्जिन मैंने सेट कर दिया है। अभी क्या करते हैं, अभी मेरे पास ये एक यूज़र नेम है, और जैसे यहाँ से देखो, जैसे कि मेरे पास जो यूज़र नेम चाहे तो आप टाइप कर लो, मान लो मैंने टाइप किया, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कैसे, एक मिनट मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे या टाइप करोगे, कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। और उसके बाद एक और नाम है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ABCD, क्या ये है, तो कह रहा है ये जो नाम आपने इंटर किया है, ये नाम आपका यूज़र नेम अवेलेबल है, मतलब ये फ्री है, ये नाम आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो पेज है, ये देख लो, जब ये पेज रीलोड होगा तो ये जो आइकॉन है रीलोड का, ये स्विंग करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई भी नाम यहाँ पे इंटर करता हूँ, मान लो मैंने ये नाम इंटर किया, ठीक है, तो बिना ये पेज रीलोड हुए, ये पेज सर्वर तक एक्चुअली में हुआ क्या, ये पेज पूरा रीलोड हुआ, पर यहाँ पे
पूरा पेज नहीं हुआ है, बेसिकली ये जो टेक्स्ट बॉक्स है बस इतना ही पोर्शन, जितना पोर्शन आपने अपडेट पैनल में लिख रखा है बस उतना ही पोर्शन सर्वर तक उसका रिक्वेस्ट गया, वहाँ से वो डेटाबेस से वैल्यू फेच करके आपको रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर ये ESP में रन करके दिखाऊँ आपको, बेसिकली हम यहाँ पे एक सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका जो टेबल का नाम क्या है यहाँ पे यूज़र। ओके तो ये टेबल है और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, क्या नाम था इसका, यहाँ पर आएंगे और हमारे पास जो टेबल है अवेलेबल है TBL यूज़र करके है। ओके तो ये टेबल है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो यूज़र नेम है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों इंटर करोगे तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, आपको ये वाला मैसेज दिखेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई रैंडम नाम यहाँ पे इंटर कर दिया तो कह रहा है यूज़र नेम अवेलेबल। तो बस ये मेरा काम था कि हमें ये चेक करना है कि यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि बेसिकली यूज़र नेम आपका यूनिक होगा तभी आपकी जो आईडी है वो बन पाएगी। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। और फिर जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पासवर्ड है और जो नीचे वाला है ये कन्फर्म पासवर्ड है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कन्फर्म पासवर्ड को आपको मैनेज करना है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने कवर किया है कि यूज़र नेम की अवेलेबिलिटी को कैसे चेक करना है, वो यहाँ पे मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म पासवर्ड से रिलेटेड कुछ टास्क मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।